हम और आप लोगों को बोलते सुनते हैं कि लड़कियां कितनी बोलती है। कई बार आपने भी कहा होगा कि हम लड़कियां कितनी बातें करती हैं। पर क्या आपको पता है कि हम लड़कियों के बोलने के पीछे भी एक बायोलॉजिकल रीजन है? क्या है वो रीजन, आइए जानते हैं हमारे फैक्ट नंबर 3 में। लड़कियों का ज्यादा बोलना बायोलॉजिकल रीजन है, यानी उनकी शहर की बनावटी ऐसी की है कि वो मर्दों के मुकाबले ज्यादा बोलती है। एक रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ कि उनके शरीर में जाए जाने वाले एक खास पदार्थ की वजह से लड़कियां पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बोलती है। रिसर्च के मुताबिक लड़कियों के शरीर में पाए जाने वाले एक खास पदार्थ की वजह से वह लड़कों के मुकाबले अधिक बोलती है। दरअसल लड़कियों में फॉक्सपी 2 प्रोटीन की मात्रा लड़कों से बहुत ज्यादा पाई जाती है। फॉक्सपी 2 प्रोटीन की वजह से लड़कियां बोलना भी लड़कों से पहले शुरू करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में किए गए इस रिसर्च के मुताबिक इसी प्रोटीन की वजह से लड़कियां जल्दी भी बोलती है और ज्यादा भी बोलती है। शोधकर्ताओं के मुकाबले इंसानों में जैसे ये लड़कियों के भीतर इस प्रोटीन की मात्रा प्रचुर रूप में होती है, उसी तरह जानवरों में इस प्रोटीन की मात्रा चूहों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से वो भी काफी बोलने वाले पाए जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक लड़कियां एक दिन में 20,000 शब्द बोलती है, जबकि लड़के एक दिन में सिर्फ 7,000 शब्द ही बोल पाते हैं। इसकी वजह फॉक्सपी 2 प्रोटीन है। इसी तरह साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि कामकाजी महिलाएं लंच ब्रेक के दौरान ज्यादा बातें करती है, ये ऑफिस जाते आते अनजान लोगों से भी बात करती है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स ने सोशियोमीटर्स की मदद से यह अध्ययन किया है। सोशियोमीटर हाथ पर पहनने वाली स्मार्टफोन जितनी बड़ी एक डिवाइस है, जो यूजर्स के बोलने का रियल टाइम डेटा चुटाती है। हमारे आज के नॉलेज मंत्रा इस शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नॉलेज मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।